इट्स अ बॉय और अ गर्ल, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, इसलिए मैं हो जाती हूँ जिप। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि खुशखबरी आ कहां से रही है। ये आ रही है खुशखबरी यूट्यूबर अरमान मलिक की तरफ से। जी हाँ, फाइनली उनके घर में किलकारियां गूंज उठी हैं, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल चुकी है। यूट्यूबर अरमान मलिक पापा बन चुके हैं और कृतिका मलिक माँ बन चुकी है। और रही बात पायल मलिक की, तो पायल मलिक का 8वां महीना चल रहा है और नेक्स्ट मंथ तक उनकी तरफ से भी हमें खुशखबरी आ ही जाएगी। शुरुआत से बात करें तो आपको पता ही होगा कि अरमान मलिक ने एक दिन अपने YouTube चैनल पर एक व्लॉग डाला और उस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी दोनों वाइफ प्रेग्नेंट हैं, IVF के थ्रू दोनों ने कंसीव किया है और वो इंतजार कर रहे हैं घर में नन्हे मेहमानों का। उसके बाद लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई, सभी जानना चाहते थे कि गुड न्यूज कब आएगी। हम भी जानना चाहते थे ये गुड न्यूज कब आएगी। एक्सक्लूसिवली जब हमने मैटर्निटी को लेकर पायल मलिक और कृतिका मलिक से बात की थी तो उन्होंने भी बताया था कि किस तरह से इस दौर को वो बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रही है। हाँ, मूड स्विंग्स होते हैं, आपको खाने पीने में थोड़ी तकलीफ होती है, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन एक नन्हे मेहमान के लिए तो सब कुछ करना ही पड़ता है। ऑब्वियसली ये जो मोमेंट है हर एक लेडी चाहती है कि उसकी लाइफ में आए, तो बहुत ही प्रीशियस मोमेंट है। ऑफ कोर्स मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ इस प्रेगनेंसी को। पर मैं भी बहुत एंजॉय कर रही हूँ और मेरे मैं पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, पहले भी एक बेबी है, पर अभी जो है अभी मुझे इस टाइम की प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा फील होती है हर एक चीज़, जैसे मूवमेंट्स हो गए और क्रेविंग हो गई। चीकू के टाइम पे इतनी क्रेविंग्स नहीं होती थी मुझे, और थकान बहुत ज़्यादा फील होती है क्योंकि ट्विन्स हैं एक साथ, तो सब चीज़ें डबल हो जाती हैं, तो मेरे को इस बार की प्रेगनेंसी ज़्यादा हैक्टिक लग रही है। उसके बाद आज सुबह ये गुड न्यूज़ आई और अपने उस व्लॉग के जरिए उन्होंने बताया कि उनके घर में एक नन्हे मेहमान का आगमन हो चुका है। लड़का है या लड़की वो कब बताएंगे, चलिए आगे जाके पता चलेगा, लेकिन ये जितना भी स्टेज बीता वो बहुत ही खूबसूरत था। अब इंतजार है पायल मलिक की तरफ से भी कब ये गुड न्यूज आएगी। आपको बता दें कि पायल मलिक दो ट्विंस कंसीव कर रही है, उन्हें भी थोड़ी डिफिकल्टीज हो रही है, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा है, वो बहुत ही अंदर से खुश है, एक्साइटेड है। फिलहाल तो कृतिका मलिक हॉस्पिटल में है, उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अच्छा, लड़का है लड़की, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, तो अब मेरे पिंक शर्ट से थोड़ा आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, बाकी तो आप इंटेलिजेंट हैं।